Pepper. Oh, my God. This time, न पत्र सरकार न सेनापति सिपाही लेकिन एक घना घोर जंगल में दिख रही हूँ, मनुष्य का आवाज आ रहा है और पानी पानी चिल्ला रहा है। मैं जरा देखूँ किधर है बेचारे का, आत्मा को बुझा दूंगी पानी पिला करके। पानी पानी चिल्ला रहा है, अगर आत्मा को नहीं बुझाऊंगी तो प्राण त्याग देगा। लेकिन या जंगल में पानी कैसे लाऊंगी, लेकिन ये पौधा जो है सब पौधा का फूल का रस चूस करके जरूर मैं पानी पिलाऊंगी और आत्मा को बुझाऊंगी। मेरे मुख में पानी, मुझे नई जिंदगी कौन दिया है ऐसा? मेरे प्राणों को कौन लगाया है ऐसा? कौन है मेरे सामने आओ, नहीं तो उसे भाग दे दूंगा। तो तुम हो पानी पिलाने वाली? अलग से बात करो। तुम ये बताओ, तुम इतनी घड़ी हो जंगल में? अलग से बात करो। इसलिए कि तुमने मेरे प्राणों को लुटाया है, मुझे नई जिंदगी दी है। आज मेरे आत्माओं को तुमने पानी पिला करके जिंदा किया है। सही बात है। अलग से करो। काहे मैं महक रही हूँ। और सुनो, बोलिए ना, तुम अकेली होकर के इस जंगल में रहती हो? और होकर के? हाँ, मैं क्या कहना, गोल जंगल में अकेली रहती हूँ। मैं कैसे आई हूँ, मैं कुछ नहीं जान रही हूँ। यह संसार में मुझे कोई नहीं है, नहीं तो पिताजी है, नहीं तो भाई है, नहीं बहन है, नहीं समाज है। इस जंगल में कोई नहीं। अगर मुझे भूख लगती है, यहाँ आमदाना कुछ नहीं मिले। अगर मुझे भूख लगती है, यह पौधा जो है, यह पेड़ जो है, सबका रस चूस चूस करके मैं समय को व्यतीत करती हूँ। बिजली बंजर सुनो, इस बन की तुम रहने वाली बंजरनी हो? अलग से बात करो, तुम क्या सोचती हो?
क्या तुम्हें कोई नहीं है? इस संसार में मुझे कोई नहीं है। अकेली रहती हो? मैं अकेली रहती हूँ। समझ जाओ ठीक है। हाँ। तो बंजारनी कही ना, तुमने मित्रों को बोला है? क्यों नहीं? तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। सही बात है। तुम मांगो क्या मांगती हो? मैं पैसे नहीं मांगती। पहले अपना नाम ठिकान बताइए, आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, आपका पिताजी का क्या नाम है, इसके बाद मैं मांगूंगी। ठीक है बंजारनी, मैं अवश्य बता देता हूँ। कही ना, ठीक है। शहर पर है पिताजी के नाम राजा बुद्ध सिंह, मेरा ही नाम राजा महेंद्र सिंह है। मांगो तो क्या मांगती हो? मैं उनसे नहीं मांगूंगी। फिर तुम कैसे मांगोगे? जब तक आप साथ नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं मांग सकती। देखो बंजारनी, कीजिए ना, इसमें सत्य का सवाल होता है। हाँ एक बार कर लीजिए। मांगोगे तो देखो। नहीं पाली, तब तक साथ नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं मांगूंगी। बंजारनी सोचती है राजा महेंद्र सिंह को शत करवा करके आधा राज सोना चांदी रुपये पैसे देने के लिए तैयार है। क्या शत करना ही पड़ेगा मुझे? जब तक शत नहीं कीजिएगा तो ना। ठीक है, तुमने नई जिंदगी दी है, इसलिए मेरे प्राणों को लुटा है। तुमने पानी पिला करके सुनो। हाँ कहिए ना। अलग से बात करो, तुम क्या सोच रही हो? राजा महेंद्र सिंह महारानी देखो बंजारनी, तुमने मेरे प्राणों को लुटा है, अच्छा तुम ऐसा कर लेता हूं। कया तुम चारनी
को सब करिया बेचारी है मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं क्या मंगलो तो क्यों नहीं खुशी से मांग अवश्य तो मैं एक बार पप्पी दीजिए तो इस तलवारों से तुझे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा परंतु तुम्हारे तुमने मेरे प्राणों को लौटा रखे तुमने मुझे नई जीत दी है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता तुझे तुम मांगो मंगलो सब तो मैं कर चुका हूं सूरज चांदी रुपये पैसा राजा महेंद्र सिंह देने के लिए तैयार है तो मांग ले तू खुशी दिल से एक बार चुमा दीजिए ये कैसी बकवास करती है तो अच्छा मांग ले तू बोलो नहीं तो मुझे धन चाहिए नहीं चलन चाहिए नहीं रुपया चाहिए नहीं पैसा चाहिए नहीं जमीन चाहिए हमको दिल चाहिए क्या कहा दिल चाहिए मुझे दिल दिल हाँ दिल चाहिए नहीं क्या कहा तुमने दिल दिल चाहिए मुझे ठीक है बंजारू यह तलवार खड़ा दे रहा और सिरे से दिल को काट के निकाल लो ऐसे जो तुमने मिले मेरे प्राणों को लुटाया है अरे बाबा क्या दिल चाहिए मुझे फिर कैसा दिल चाहिए तुझे दिल चाहिए वही साथ मरेंगे साथ जाएंगे हम तुम दोनों ये कैसी पैसा है तुम्हारी ये हमेशा के लिए दिल तो उसको मिलता है बच्चा जी जो पति और पत्नी होते नहीं ये दिल तुझे नहीं साथ मरे इधर सुनिया साथ मरेंगे ये दिल तुझे नहीं मिलेगा बंजारू साथ दिएंगे हम तुम दाना मरने से तुम्हारी नाटक उस भारी जंगल में तुम कर रही हो आज ये तुम्हारी कैसी है ये लीला है स्वामी जी कौन
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਕਰੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪੇ ਚਾ ਮੱਥਾ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਡਾਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗੀ ये दिल किसे नहीं मिलेगा पंजाबी तुम क्या सोच रही हो राजा महेंद्र सिंह अपने जान को कमा सकता है लेकिन ये दिल किसी को नहीं दे सकता है हम मैं क्या करूं जिस वक्त महारानी बनते समय मुझे कहा कि प्रिय आप दूसरा शादी नहीं करेंगे नहीं राजा महेंद्र सिंह ये तुमने क्या कहा पुत्र शंकर मेरा करे जाए पुत्र सुशीला मेरे प्राप्त अभी वो सुनेंगे मुझे माफ कर दूंगा मैं तुम्हें धर्म का बहुत मानता हूं इसलिए कि तुमने मेरे प्राण को ले पाया मैं सच्चा हूं करी हा बेचारी है तुमने क्या कर दिया नहीं ये तुम बहुत बड़ा जुलम कर दिया मैं तुम्हें धर्म का बहन माना था क्या आज तुमने मेरे गलों में ये मंगल सूत्र पहना करके तुमने अपने ले जाऊंगा तुझे जरूर हाँ पति देव लेकिन मेरा एक शर्त है शर्त मुझे मंजूर है पति देव शर्त में रही है बताइए ना महेंद्रपुर शहर में मुझे एक पुत्र सुशीला है अच्छा पुत्र शंकर है क्यों नहीं उसकी माँ एक बचपन में ही मर के स्वर्गवास चली थी पति देव आदि तुम उस दोनों बच्चे को माँ का प्यार दे दे तो अवश्य झेले जाऊंगा गौ माँ है उसकी मर्जी मच्छे अडाक में अधिक माँ देंगी इतना मनूंगी समय पर स्नान करवाऊंगी समय पर खाना खिलाऊंगी समय पर तेल दूंगी समय पर खोपड़ा बनूंगी समय पर मैं स्कूल भेज जाऊंगी पति देव क्यों नहीं हाँ क्यों नहीं पति देव आज से तो महेंद्र सहरानी शहर की महारानी हो कौन नहीं प्रणाम पति देव खुश रहो चलो चलते हैं ठीक है चलिए ना सर अपने महेंद्र को शहर चलिए ना ना जाने पुत्र सुशीला के प्रसंग मेरा इंतजार करता हो ठीक है पति देव चलिए चलो चलो बने रानी है
ताला है सुनाई बरनामा जी खुश रहो महामंत्री। ये कौन है? ये महेंद्रपुर शहर की महारानी है। क्या इसका बहुत बड़ा लंबा कहानी है मंत्री जी? चलो चल करके अपने महल चलते हैं। हेलो 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 महारानी, ये अपनी सेनापति सिपाही है। क्या है? ये अपने ही राज का सिपाही है। ये अपने राज के मंत्री है। महाराज बोलो। मेरे कान तक कोई आवाज आया लेकिन उसे मैं अकिन नहीं कर सका, लेकिन दोबारा हम पढ़ रहे हैं। आपने कहा ए महेंद्रपुर का रानी महारानी है सेनापति। मैं ब्याह सचमुच चुमाऊं नहीं, मंगलसूत्र डाल के नन्हे मुन्ने दिल से सेना जी है सैया जी। महाराज कहो ये कौन है? ये महेंद्रपुर शहर की महारानी है। कैसे छोटा भुजा का बोलता है? रानी महारानी तो थी, आज ये हमारे छोटे भाई शंकर मेरी बहन सुशीला को छोड़ के खुद को मुझे छोड़के, आज 20 साल पहले की बात है, आज हमारे लक्ष्मी सरस्वती घर से लौटा हूँ। दूसरा महारानी कौन है? ये महारानी वो है महामंत्री। के ऊपर मुझे नजर पड़ गया, उसका पीछा करते करते मैं पानी के लिए मेरा आत्मा तरसने लगा। अच्छा, यह बिचारी ने मुझे प्राण को लौटाया, मुझे पानी पिला करके मुझे नई जिंदगी दी है और मुझे गले में मंगलसूत्र पहना दिया है। गले में माला बहुत से कोई दे देता है, किसी को कोई भी पानी पिला देता है, प्यासे को पानी भूखे को खाना, वो क्या हो जाता है? छोड़ो इस बातों को, चलो चलते हैं अपने महल को। बस जो हम कहेंगे जरा सुन के ही जाए। जी मेरे रास्ता का काटा मत बनो। महाराज वरना मुझे मजबूर मत करो, इसलिए कि तुम मेरे रास्ते को छोड़ो, रास्ते से हट जाओ। रास्ता आपके लिए गिलिया है लेकिन साथ में वो कौन है? महामंत्री जी। इस बीच में तुम चमकने वाले कौन होते हो? मैं आपका बड़े पुत्र हूँ, यार नहीं समझो तो मैं यहाँ का गवर्नर हूँ, इसलिए आपने मेरा पिताजी है, आप गलत कीजिए और गलत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे बताइए महाराज, रास्ते को छोड़ दो। मैं और का पैर पकड़ते हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं इसे आवश कर दो, इसे मेरी बहन है, मेरी दीदी है, इसे मैं कहो तो मैं इससे माफी मांग करके इसके आवश लौटा देता हूँ। लाइए सारे बताइए।
इसलिए कि मैंने रानी मांच कहो से और ये वापस नहीं जाएगी, ये सिर्फ महेंद्रपुर शहर जाएगी। मेरा जान क्यों नहीं चले जाए, आप तलवार क्यों दिखाते हैं? आज हमारे घर जाने की बात, मेरी बहन सुशीला भाई शंकर का ये कल इतना दिन में नहीं, ऐसा मत कहो, मैंने फैसला कर चुका हूँ, आपका मैंने इससे कह चुका हूँ, माँ का प्यार शंकर सुशीला को देना होगा, टाइम पास स्नान कराएगी, एक कभी भी नहीं दे सकता, मैं इतना ही कहेंगे इसे अवश्य कर दो। समय पर स्नान करवाऊंगी, केस बनूंगी, स्कूल भेजूंगी। खबरदार, तुमसे हम बात नहीं करते। ये उसे नहीं मारेगी, इसका हाथ बांधो और बिजली को प्रसाद हो। ठीक है महाराज, रुक दो महाराणी, छोड़ दो उसे। हमने इसको मानते थे पिता, आज इसके सामने औरत होकर के हमारे घर को चला दिया। हमने कहे पिता, वो कहता तुम्हें ये तो मान ही दिया, तुम्हें जान से भी मार सकता। ठीक है, हमने सोचा था शंकर मेरा बेटा है, बहन सुशीला मेरे पुत्री है, मैं इसे पुत्र मान रहा था और हमने इसे पिता मान लिया था। आज नहीं रहा फैसला दुनिया का, ठीक है, जैसे हमारे महाराज एक औरत से हमारे बेबक कोड़ा चला दिया, ऐसे हाथ बांध दिया, मेरे बात को अकेले रखा, तो मैं भी कोई बकरी का बच्चा नहीं, एक राजपूत का बच्चा हूं, धरती माँ की कसम खाता हूं, ये बदला ना लो तो मेरा नाम नहीं बिगड़ी, ये हरामजाद एक कुत्ता और एक औरत की हाथों से मुझे ऊपर घोड़ा चलवा दिया, मेरे हाथ को बांध दिया, आज भी मैं धरती माँ की कसम खाता हूं, इस घर का मैं मंत्री नहीं रहा, नहीं रहा भाई, ना तो राजा तो रानी कहां से, रानी नहीं तो शंकर कहां से, शंकर ना तो सुशीला कहां से, इस घर का आश्चर्य काला नाग बन गया, इस राज को मैं टुकड़ा टुकड़ा न कर दू तो मेरा नाम नहीं मंत्री। एक रोज ने एक रोज ए हरमजादा कुत्ता मंत्री का पैर और उसका सिर माफी मांगेगा नहीं, एक 12 वर्ष की छोकरी से शादी कर लिया, ये रानी महारानी बन के रहेगी। एक रोज नहीं एक रोज मेरे कलश में एक ये बंजारनी मेरे कलश में आएगा, और हरमजादे को नहीं मैं भीख मंगवा दू, अपने सामने में इसे जूता चप्पल का माला नहीं दे तो मेरा नाम नहीं।
आप देख लो मेरा ही नाम आज के राजा माहिन सरदार 51 किला का प्रेसिडेंट मैं शंकर और सुशीला स्कूल कॉलेज में वो बच्चा कुछ नहीं जानता। ए रानी महारानी बना करके अपने महल ले गया, चैन होकर के कभी भी नहीं सोने देंगे। और यहां से जा रहा है स्कूल, शंकर और सुशीला को पढ़ा लिख करके तालीम करके इसका घर में झंझट लड़ करके इस महल को इस राज को मैं टुकड़ा टुकड़ा पुर्जा पुर्जा नहीं उड़ा दू तुम्हें नाम में। आज देखिए शंकर देखो ना हफ्ता रोज बीतने चीज चला है लेकिन नहीं सेनापति भैया का कोनो पता है नहीं पिताजी का पता। मेरी तो दिल इसे घबरा शंकर क्या बताऊं तुम्हें। सही बात है बहन, आज इतना दिन से नहीं तो पिताजी और नहीं बिजली भैया आया है। शंकर समते भैया बताइए ना, 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 ना।
बस भैया सुशीला। हाँ भैया। भैया आपके बगल से देखते खून निकल रहा है। सुनो इधर मत सुनो, जो अभी कह दिया भैया इस बात को आपस ले लो। आज से नहीं तुम मेरी बहन न तुम्हारी भैया। जो कहते हैं दीदी आज ने हम एक बच्चा से कोस पाल के इतना बड़ा किया, आज ओछने की बदौलत तुमसे मिलने के लिए आया। भैया क्या हो गया भैया ये बताए क्या हुआ है आपको बता दो। आज मेरा अचानक ऐसे आवाज क्यों निकालते हो? इसलिए ना तुम मेरी बहन ना हम भैया। भैया की आवाज बंद करो। सर सवाल ये बता, तुम्हारा पिताजी जा रहा था जंगल शिकार खेलने के लिए तो तुमने क्या मांगा था? भैया मैं पिताजी से ही मांगी थी। पिताजी आप जब भी जंगल शिकार खेलने के लिए मेरे लिए अच्छी सी गुड़िया लेते हैं। क्या बताइए भैया हमें क्या देते हैं? इतना तुम्हारा अच्छा सोने की गुड़िया तुम्हारे पिताजी लाया, क्या एक रोज में एक रोज तुम्हें गला का फांसी बनी गया? क्या भैया जंगल जी भैया तुम मांगे थे हाथी? हाँ भैया इतना सुंदर तुम्हारे पिताजी लाया है सोने का हाथी, एक रोज तुम्हारा गला का फांसी बनेगा। आज उस गुड़िया की चलते हुए आज ने तुम्हारे पिताजी के साथ में गया जंगल शिकार खेलने के लिए, हमें तमुक को छोड़ दिया खाना बनाओ, वो चला गया अकेला जंगल शिकार खेलने के लिए। हाँ भैया। और एक उस जंगल में बगली जैसा एक लड़की था 12 वर्ष की, क्या हुआ उससे? तुम्हारे पिताजी ने शादी कर लिया। क्या मेरे पिताजी शादी कर लिया भैया? जी दीदी इतना है कहने में। पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे भाई शंकर बहन सुशीला का एक काली नागिन बनी गई, आज मेरे बदन पे कोई छली छड़ा दिया, मेरे बदन से खून निकल रहा है। और तुम्हारे पिताजी ने कहा ये मार नहीं, तुम्हें चाहिए तो फांसी भी हो सकता, तुम मेरे महल से निकल जाओ मेरे राज से। चलते चलते हमने सोचा बहुत कठिन से शंकर दीदी सुशीला को हम पाले थे, उसे मिलने के लिए आ रहे थे, मिल हो गया मैं जा रहा हूँ। नहीं भैया नहीं मेरी भैया आप मेरी कसम भैया मत के बाद।